हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है तो सब लोगों की छुट्टी है, तो आप लोग शायद अभी अपने पेंडिंग बहुत से काम लेके अभी बिजी होंगे, तो कुछ रिलैक्स कर रहे होंगे। हम लेडीज़ लोगों की तो ऐसी किस्मत है नहीं। तो अभी मैं एक्चुअली अपने बच्चों के लिए पोहे बना रही थी। मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसको ना पोहे खाना बहुत पसंद है। तो एज इट इज़ मैं इस बच्चों के लाइक्स खाना बनाती हूँ, उसको थोड़ा हेल्दी करके बनाती हूँ कि बाकी जो हम मेंबर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी सास है, तो हम लोग भी वही खाना खा लेते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों में तो एक आदत हो गई है कि हम लोगों को अब जो भी दो या मैं जो भी बना लूँ, किसी तरह से पेट भरनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए ये पोहे से ज़्यादा सिंपल तो अभी कुछ है ही नहीं, और ये क्वाइट हेल्दी भी है। तो वही मैं बना रही हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ना किस चीज़ में बिज़ी रहूं या मैं बातचीत करती रहूं। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद छूट गया। तो मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं, तो उन्हें लगता है कि घर में बच्चों की देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी एक को तो घर में रहना चाहिए। तो बस उस हिसाब से इतना दिन से मैं रहते रहते और क्या करूं। तो फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हुई हूं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग जो वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप लोग थोड़ा बहुत मुझे देख ही लेते हैं। तो और कुछ नहीं, बस आप लोग भी कुछ रिप्लाई किया कीजिए, कुछ कमेंट तो कीजिए। जो अच्छे नहीं लगे तो वो भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट कीजिए। आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत से चीज़ों में अभी भी बिज़ी हैं, तो कोई नहीं, अच्छे से संडे मनाइए, फैमिली के साथ घूमने बाहर भी जाइए। मेरा तो बाहर निकलना बहुत कम होता है। हाँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं तो आना जाना थोड़ा हो जाता है। वैसे जब भी कोई ओकेशन होती है या कभी मौका मिलता है, तो कभी मैं अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए। लेकिन वो एक बात होती है ना कि परिवार जो चीज़ होती है ना, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बच्चे और परिवार साथ होते हैं, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा साथ नहीं रहते, काम के सिलसिले में उन्हें बाहर रहना पड़ता है। तो ये आइडिया मान भी लेनी पड़ती है कि देखिए, काम करना हो तो ज़रूरी, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो प्यार भी दरवाजे से बाहर चले जाते, ये बात भी सही है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। Bye.